रतलाम के जावरा में 23 दिन पहले सामने आए एक युवती से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ब्लैकमेलिंग के बहुचर्चित मामले के मुख्य आरोपी नितेश पापना ने जावरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शादीशुदा और एक बच्चे का पिता आरोपी नितेश ने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो बयान जारी कर उसे वायरल किया। इस बयान में उसने पूरे मामले को गलत बताते हुए जावरा के एक भाजपा नेता और लड़की के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी नितेश को कोर्ट से जावरा शहर पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी नितेश बापना द्वारा कोर्ट में सरेंडर करने की वजह पुलिस का गिरफ्तारी के लिए लगातार शिकंजा कसना और गिरफ्तारी न होने पर उसकी और उसके परिवार की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू करना बताया जा रहा है। पुलिस अब रिमांड अवधि में उससे मामले में पूछताछ कर वसूली गई राशि की जब्ती का प्रयास करेगी। इस पूरे मामले का खुलासा पीड़ित लड़की के द्वारा जावरा शहर थाने पर की गई शिकायत की जांच के बाद हुआ। जब यह मामला खुला तो करोड़ों रुपए की वसूली का निकला, जिसमें आरोपी नितेश उर्फ मयूर बापना निवासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जावरा की युवती को अपना शिकार बनाया। आरोपी नितेश की दोस्ती युवती से इंदौर में हुई थी। इंदौर में युवती पढ़ती थी, पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। बस इसके बाद आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और युवती के अपने साथ अश्लील वीडियो बनाए और फोटो ले लिए और इन्हीं के आधार पर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। जावरा के बड़े व्यापारी की इस पीड़ित बेटी ने बड़ौदा के नितेश उर्फ मयूर पिता प्रदीप बापना को करीब 1.25 करोड़ रुपए और उतनी ही राशि के आभूषण ब्लैकमेलिंग में दे दिए हैं। युवती ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक के साथ फोन पे व अन्य बैंकों के खातों में राशि जमा करवाई थी, जिसकी जांच जारी है। वहीं करीब इतनी ही राशि के सोने के आभूषण भी दिए हैं। युवती की रिपोर्ट और बयान के बाद आरोपी नितेश पर धारा 376, 2N, 450, 385, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तब से आरोपी नितेश बापना और उसका परिवार बड़ौदा से गायब था। जावरा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी थी। टीम भारती न्यूज। मैं निशित बापना, पिता डॉक्टर प्रदीप बापना, बड़ौदा निवासी हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया बलात्कार और यौन शोषण का, बिल्कुल गलत आरोप है। भाजपा के एक ग्रुप द्वारा मुझे 4 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जो मेरे ना देने पर मुझे लड़की के भाई प्रतीक मांडलिया द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद फिर 3 करोड़ रुपए का मेरे पास ऑफर आया, जो मैंने ना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 376 धारा लगवाई, जिसकी वजह से और जान की धमकी की वजह से मुझे भागना पड़ा था। मैं आज कोर्ट में सरेंडर कर रहा हूँ। इस जो भी चीज़ हुई है, इसमें मेरे परिवार किसी भी सदस्य का कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों का, मेरी बहन का बेमतलब में नाम इसमें लिया है। उसके अलावा जो भी लड़की की व्हाट्सएप चैटिंग है और उसके जो भी साथी है, वो निकोल शर्मा उसकी एक फ्रेंड है, विपुल जैन है, आयुष चंदालिया है, ये लोग भी मेरे साथ कई बार उस लड़की के साथ बाहर आए हैं, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। इसके अलावा मेरे उससे कोई दूसरे संबंध नहीं थे। लड़की के भाई ने मुझे 13 तारीख के दिन धमकाया था कि उससे बात करना बंद कर दे वरना तेरा जीवन खराब कर दूंगा। उसके बाद 15 तारीख को उन लोगों ने आवेदन दिया, जिस आवेदन के चलते 14 दिन तक उनको ऐसा लगा कि जो धारा है वो मुझ पर लगाना चाहते हैं, उससे कुछ भी मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। तो 29 तारीख के दिन उन्होंने मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। सब जितने भी लोग जो मेरे साथ में रहते हैं, जो बड़ौदा के लोग, जावरा के लोग जो अच्छे से जानते हैं, वो भी ये जानते हैं कि मैं ये गलत काम कभी भी नहीं करूँगा। आज मैं कोर्ट में सरेंडर होने के बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो पुलिस को बता दूँगा। मैंने लड़की से और लड़की के पिता से ब्याज में पैसे ज़रूर उठाए थे, जो ब्याज 15 रुपये और 10 रुपये में उठाए थे। इसमें भाजपा के कुछ एक गुट के नेता हैं जो जावरा के, उनके भी पैसे हैं, जिसमें लड़की के पिता उनसे लेकर मुझके वो बड़े ब्याज पे चलाते थे। वो ब्याज में ज़्यादा टाइम भर नहीं पाया, उस वजह से धमकिया। वो लड़की से दोस्ती होने के कारण उसके भाई और पिता द्वारा डेली धमकाया जा रहा था। मैं निर्दोष हूँ, अगर आप लोगों को भी लगता है तो मेरा साथ। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि निश्चित बापना फरार था। आज उसने अपने अभियोक्ता के माध्यम से न्यायालय में, माननीय न्यायालय में सरेंडर किया है। न्यायालय के सूचना पर हमने जाकर उसको न्यायालय से गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड लिया है। 8 दिन का रिमांड मांगा था, 4 दिन का रिमांड मिला है। आरोपी से अभी बहुत प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसको मेडिकल के लिए कोर्ट वहाँ अस्पताल भेजा जा रहा है। किन धाराओं में मामला दर्ज था और क्या था इसका कारण?
धाराओं का तो आप लोगों को पता ही है, यौन शोषण 376 और 450 और 420 37 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है इसके विरुद्ध। सर इसमें रकमे और जो पैसे का जो मामला था, क्या उसके ऊपर पुलिस ने फोकस किया है? क्या क्या अब तक क्या कार्रवाई पुलिस से? जो अभी तक का आरोपी के बगैर जो अनुसंधान था उसमें जहाँ जिसके माध्यम से इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे अन्य लोगों के अकाउंट में, उनकी जानकारी पुलिस ले चुकी है और पूर्व में बता भी चुकी है, और जो जहाँ जेवर इसने रखे थे उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। शाम तक इस मामले में स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुलिस इसको ढूंढ ही रही थी और ये अचानक पेश हो गया, क्या पुलिस इसको ढूंढ नहीं पाई और ये आ गया? ये कहना सही है कि इसकी पतारसी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। अनेक जगह इनके घर परिवार में दबिश दी गई, लेकिन यहाँ तक कि इनके माता पिता जीजा बहन सभी लोग अपने अपने घरों से फरार थे और इनके मोबाइल बंद थे, इसलिए इस तक पहुँचा नहीं जा सका। लेकिन बहुत जल्दी गिरफ्तार करने ही वाले थे, पुलिस का दबाव में इन्हें न्यायालय में सरेंडर कर दिया। तो पुलिस के दबाव के चलते ही सरेंडर हुआ, ये कहना सही है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।